मिठा मुकन कर बार क्या हलवा खाना था इनते। चलो फिलहाल जेपी जयप्रकाश जो हिसार से एमपी सांसद फिलहाल बामणी वाला गांव भाई जेपी जिंदाबाद। यू घटे रोक देना सही बात तो प्रधान जी पहुंच चुके। चलो चाय पे बुलाया है, चाय पे चर्चा है भाई फिलहाल। प्रधान जी राम राम। तो फिलहाल जो जयप्रकाश है अपने समर्थकों के बीच में पहुंचे हैं। देखो वोट वोट मांगने के लिए पहुंचे हैं भाई। ले भाई तो लेंगे कौन माने लो। प्रधान जी देखा भाई क्या क्विंटल गए आइए भाई। ले भाई क्विंटल तो ऊपर दे रहे हैं 103 किलो यदि 102 किलो तो ऊपर है। ले भाई किसी का तो इलेक्शन में वजन घटा रहे जी आपका बढ़ रहा है। दो किलो बढ़ गया तो फिर चाह खाई हूँ दिन में इसका मतलब चाह तो घटा रहा है वजन। अगर हलवा खाओ एक बार बस हो जो बैठ जाओ तम भी बैठ जाओ कोई नहीं। लो भाई ये वो काम कर सकते मतलब बेटा सिर बाप सवा सिर। तो क्विंटल तो ऊपर के एमपी साहब मारा था तो बेटे 103 किलो वजन है तुलका आए हैं और इलेक्शन की चिंता में वजन घटिया करे। ये मैंने ताजी ताजी जानकारी आई जो कर ताजे ताजे लाडू बनाया रहे नुकर 2 किलो वजन बढ़ रहा है। प्रधान जी इलेक्शन की हम लोग चिंता टेंशन ले नहीं रहे आप तो। देखो टेंशन नहीं होनी चाहिए इलेक्शन की। टेंशन किस बात की, इलेक्शन को इलेक्शन की तरह लड़ना चाहिए, प्यार प्रेम से लड़ना चाहिए, सड़क करके नहीं। अच्छा देखो घूम फिर के कान नो पकड़ लो चन्नो पकड़ लो जो आड़े का राजनीतिक समीकरण हो रहा ना कलायत का तो जब वोट काटने वाला हिसाब से लम सम से लावा नहीं फिर भी ओड़े आगे बात है जे कांग्रेस बीजेपी अटके ओड़े वो उसकी नून तक कटे तो उसकी नून तक कटे उसकी नून तक बटे तो उसकी नून तक बटे मतलब ऊपरा तली करे पाजे भी सारा बोला वो अपना कहावत नहीं पहले पैन सोलो सराना सोलो फलाना तकड़ा बीच में आना तो खिंच रहा है वो ही मामला। फिर भी देखिए बाई चांस पिछला चुनाव में हार गया बाई डिफॉल्ट हमारी कमियों से या मेरा मुकद्दर नहीं था वरना कलायत विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मुझे कभी विधानसभा में मैं लड़ा मैंने किसी को खड़ा किया जब रिजर्व थे और लोकसभा लड़ी मैंने कलायत से कभी हारा नहीं। हाँ भाई आपका जितवाओगे करवाओगे एक तरफा जितवाओगे कई बार मैं जाता है प्रधान के इतने वोट है किस एक आदमी तो युवा आदमी बाकी आप लाइ छोटा बच्चा क्या बोला रहा तू जितवाओगे पक्की बात है क्या खास बात है कोई खास बात है चलो ये बच्चों के अंदर जोश है। देखो यही चीज होती है तजुर्बा है इन बच्चों ने तजुर्बा होने लग रहा है राजनीति के है कौन आया करता ये कहने लग ताऊ जे प्यार है हमारा काम। तो जयप्रकाश जी अभी देखो जितने हाथ उठे हैं जितना एक मिनट भाई जितने हाथ उठे हैं जितना आपकी जनसभा में या फिर चाय पे भी मैंने देखा आपकी जो चाय की चर्चा रैली में तब्दील हो जाए तो रैली में तो तब्दील हुआ होगी वो वोट में तब्दील होगी कि नहीं। देखिए ये वोट देने के लिए आए हैं जिस भाई ने साथी ने बुजुर्ग ने नौजवान ने वोट ना देना हो वो हमारे पास क्यों आएगा। अब तो वोट का समय अब तो ये भी नहीं कह सकते कि किसी शादी समारोह में गमी खुशी में आए थे इसलिए मैं चले गया। अब तो जो हमारे साथ आएगा हमारा वोट रही है तो इसलिए लोगों का कलायत में मैं दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूँ कि कलायत में जयप्रकाश और कांग्रेस से सिवाय विकास से सिवाय किसी दूसरे को वोट क्यों। जब से हरियाणा बना है सबसे ज्यादा इस कलायत विधानसभा क्षेत्र के अंदर विकास के कार्य जो कलायत में हमने कराए हैं वो तो आज तक किसी ने नहीं कराए। एक बात है प्रधान जी कलायत का इलेक्शन सिस्टम घुसड़म घुसड़म घुसड़ाम हो रहा है बेरा आपने भी है
बेरा आपने भी घुसड़म घुसड़म घुसड़ा मोरे उड़ जा पड़ा तो मैं कसुत्ता जीएसटी की डाल उनका उड़ जा रहा मारा थोड़ा उड़ जा तो बहुत आगे जो उड़ जा रहे उनका उड़ जा रहा साइड दर वोट है प्रधान जी के जी पक्के हैं हाँ जी पक्के हैं हाँ जी नो लाइट है नोटन उन्होंने है एकदम संकट हो जी बीजेपी भी और कांग्रेस भी दोनों विकास के नाम पर वोट मांग रहे तो विकास के नाम से वोट मांगनी है ना विकास के लिए वोट मांगनी आप तो आप बड़ा विकास का हुए उसने विकास का तो उसे खातिर वोट मांगे ये भी कोई उनका पता नहीं है मतलब तार तो सूत आएगी मेरे मैं भी विकास के बोले भाइयों बहनों हम विकास करेंगे तो वो न्यूबिक है ना देखो चाहे रामपाल हो चाहे सतविंदर राणा हो और चाहे कमलेश टांडा ठीक है ना ये तीनों मुझे नहीं जस्ता के विकास के खिलाफ वोट मांगेंगे और विनोद निर्मल वो तो चलो बरोबर का भाई है दादा बात नहीं करी आपने नहीं वो हमारा दादा है उसको ये नहीं कह सकते दादा है वोट आता है ब्राह्मण जो है हमारे समाज में उच्च कोटि का दर्जा है उनको तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा लेकिन मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि मेरा दोस्त है रामपाल मेरा दोस्त है सतविंदर राणा दोस्ती निभाऊंगा राजनीति में कोई दोस्ती नहीं जी वोटा टाइम पर दोस्ती को चल दी ना उन्हें भाई देंगे उनका बालक से दे देंगे आशीर्वाद नरमर देंगे उन्हें बेरा जुग दगन चलना पड़ेगा नहीं नहीं बेरा नहीं संबंध भी कोई चीज होती है देखो ये जयप्रकाश जी कद्दावर नेता चार बार एमपी रहे दो बार के विधायक हैं और बेरा है क्यों राजनीति हो है क्योंकि देखो नुकारे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीखना तो जयप्रकाश से ओड़ेगी छोटी ही हारती है आदमपुर की उपचुनाव की और देख जवाब कितना बड़ा दिया है फिर इस हारता एमपी बन गए तो फिलहाल ये चीजें प्रत्यक्ष को प्रमाण की हो सकता नहीं लेकिन आज मनोहर लाल खट्टर साहब ने बहुत बड़ी बात कह दी जी कह दी जो मैं तकड़ी बात कह गया चार पांच घंटे पहले की बात है ताजी ताजी बातें भी लोग तो उबड़े है नुगे कुमारी सैलजा जय आंधी होने मरका नहीं स्वागत है देखिए कुमारी सैलजा हमारी पार्टी की बहुत वरिष्ठ नेता है जी और इस तरह की बात मनोहर लाल जी ने नहीं कहनी चाहिए उनका फायदा है जी कहूंगे मैं तो ना उनके फायदा है बोला बाबा ये बोला मारिए को अंडा मनोहर लाल और की पार्टी में लठम लठ हो रहे हैं कोई किसी के मंच पर जा रहा है राम विलास शर्मा जी जिसने इस पार्टी में जब एक भी सीट नहीं होती थी तब इस पार्टी को बनाया उसका कितना बड़ा अपमान किया ये पार्टी है किसकी ये तो दो हम हमारे दो चार आदमी और शैलजा जी तो बहुत सीनियर है हमारी पार्टी की लेकिन जो वीडियो हुई वायरल वो ठीक हुई गलत एक वीडियो चल रही है भाई शैलजा जी को लेकर के उसका बारे में कुछ बोलना चाहोगे एक वीडियो चल रही है जिसको लेकर के बीजेपी पूरी बुना रही है उसने भाई बड़ा शैलजा का अपमान हो गया पार्टी तो अभी बोली नहीं हालांकि कांग्रेस शैलजा का अपमान हो गया वीडियो में ये है आपत्तिजनक बातें हैं और विवादित बातें हैं उसी को लेकर के तो बयान दिया खट्टर ने बोले देश का अपमान हो रहा तो मार तो रहा जो है मैं नहीं समझता कि शैलजा का कांग्रेस पार्टी में कोई अपमान हो या कोई अपमान कर सके जी। जो कांग्रेस पार्टी में अगर शैलजा का अपमान करता है जी। तो ये समझो कि वो कांग्रेस ही नहीं है कोई सर्वे कर रहा था कोई पत्रकार कोई लोगों में से कांग्रेस से कार्यकर्ता नहीं मैं ये कह रहा देखो भाई वो कांग्रेस ही नहीं हो सकता शैलजा जी आज की नहीं उनकी तो कई पीढ़ी से उनके पिताजी भी कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट रहे शैलजा जी खुद कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट रही केंद्र में मंत्री रही और शायद पांच या छह बार के एमएलए हैं एमपी हैं तो कौन किसका क्या है क्यों करेंगे अपमान कांग्रेस सहन नहीं करे आप इस तरह की यदि कोई भ्रांति फैली है तो उसको लेकर के कुछ बोलना चाहोगे आप मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि लोगों ने इसको चेक कराना चाहिए भाई थोड़ी आवाज अगर अगर देखो मुझे ज्ञान नहीं है मैंने वो वीडियो ना देखी है ना सुनी वीडियो चल रही है ना मुझे पता नहीं लेकिन फिर भी किसी भी हमारे सीनियर नेता के बारे में कोई इस तरह का दुष्प्रचार करे तो हम उसके खिलाफ अच्छा आपका जो मैं बताऊं तुमने वीडियो जी वीडियो तो कल कमाल कर दिया कमाल हो गया मैं जा रहा था ये अपना देवेंद्र हंस के गुलाची का तो उन्होंने दिखा दिया बोला जेपी बूढ़ा का लात मारे है एक बुढ़ा के बोला जेपी लात मारा है अच्छा दिखा दिया हाँ आप देखिए कितने गिरे हुए पार्टियां नेता हो गए उनके
कितनी छोटी सोच होगी। विशेष तौर से जो कलायत विधानसभा क्षेत्र में पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कोई ये नहीं बताता विकास क्या कराया, तुम्हारे राज में तुमने क्या काम कराया, तुम किस बात के लिए वोट मांग रहे हो और जनता क्यों तुम्हें वोट दे। लेकिन जयप्रकाश अकेला कांग्रेस पार्टी कह सकती है हमने सब डिविजन बनाया कलायत को, हमने कलायत में महिला महाविद्यालय बनाया, हमने बरात घर बनाए, हमने आईटीआई बनाई, हमने बस स्टैंड बनाया, 5 माइनर बनाए, 30-35 सड़कें बनाई, हमने स्कूलों को अपग्रेड कराया और हमने हजारों हजार बच्चों को 10 साल में जब हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे तो यहाँ पर रोजगार सरकारी रोजगार दवाई उन्हें कौशलड़ा रोजगार सरकारी, तो वो ये तो बता दो कौन सा क्या कराया। अच्छा अभी देखो एक घोषणा पत्र में कांग्रेस का पढ़ रहा था, उसमें बहुत बड़ी बात लगी, हालांकि जब हो जाए इम्प्लीमेंट तो बहुत बड़ी बात है। पहले बहू उन्होंने सोचा मेरे सासू तो पेंशन मिला है और वन सोचा दी सासू कमाई होगी मैं तो नूह रहेगी मैं मेरे पे कुछ है नहीं। आप लोग कह रहे हो भाई 18 साल से उम्र की जो महिला होगी उसको है जी 18-60 18 साल से बड़ी गुड़िया हाँ और 60 साल की महिला होने तक उन पर भी उनको 2,000 रुपए महीना चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ऐलान है कि वो मुख्यमंत्री बनते ही देंगे। 247 स्कीम तो बन जाएगा बुढ़िया की पेंशन वाली थी। अरे यार कहाँ किससे जोड़ने लग रहे हैं तुम भैया, सच बताओ बेड़ा गर्क कर दिया, सच बताओ राजनीति खत्म कर दी। अच्छा? इन लोगों का नाम लेके तो सियासत ही खत्म। अच्छा? इन्होंने तो सियासत के मैंने ही भ्रष्टाचार बना दिया। इन लोगों ने तो जो सियासत की बात करें इन परिवार की बात करें तो भ्रष्टाचार सामने अपने आप आ जाता। बामनी वाले गाँव के लोगों से क्या कहना चाहूंगा मैं, बामनी वाले गाँव के लोगों से कलायत हल्के के लोगों से यही कहना चाहूंगा ये दुष्प्रचार ये अफवाहें ये ड्रामे मैं बता रहा था ना एक मैं तो बेरा भी को नहीं, कल हम इकट्ठे हमारा एक पार्टी का भाई म्युनिसिपल कमेटी का चेयरमैन रहा है बोला लिख दिया जेपी ने बूढ़ा का लात मारी। लेकिन एक बात है सुन ये उरा कलायत वाले लिखे। अच्छा मैं किसी का नाम लेता तीनों चेहरों सारे मैंने कहा भाई ऐसा तो कुछ झगड़ा नहीं हुआ। मैं तो थोड़ी देर के बाद एक ने मुझे बताया मैं प्योदा गांव में था बोला जी उस वाइस चेयरमैन की तो ये बयान आने लग रहे हैं कि भाई मेज टूटी थी धक्के सबके लागे थे हाँ तो उसमें जो है इस तरह की बात हुई लात का क्या मतलब। हम तो साथी है मेरा चुनाव में पर्चा दाखिल कराना जिसकी फोटो इन्हें दिखा रखी है विकास का पर्चा दाखिल कराने तो इनसे बड़ा बेईमान जो ये हमारे राजनीतिक विरोधी है जो इस तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं इस तरह पहला ये वही काम कर रहे हैं जो इशार में करते थे। सबने बेरा मन और बेरा सारी उम्र इन्होंने ना तो ये कह सकते हमने कलायत में काम कराया ना ये कह सकते कि हम कुछ करेंगे ये तो एक ही काम पर जुट रहे हैं भाई। जेपी ने यू कर दिया जेपी ने यू कर दिया तो मैं लात मरवाऊंगा आपकी फिर जिस हिसाब से चल रहे हैं नहीं लात मारी नहीं हम क्यों मारेंगे किसी को नहीं जिस तरह प्रचार चल रहा है आपके खिलाफ नहीं मैं क्यों लात मारूंगा लोग कर लेंगे आपको फैसला जनता फैसला करेगी। जैसे ही सार में कर दिया सारा चौटाला का कुंबा वाइंड अप कर दिया पूरे भी मेरे ख्याल में सभी ने कर देंगे क्यों भाई प्रधान जी हाँ भाई बताओ एक बात बताओ भाई आठा का बताओ विकास जीतेगा भाई एक बार ठहरा रखो एक बार देख लिया नहीं हाथ में एक बार मजबूती देख लिया कितनी का है यहाँ हाथ मजबूत है नहीं तरह एड्डी बिठा रहेगा था तो भाई चलो चलो यह बात बहुत गहरी है भाई यह बात घनी गहरी कह दी इन्होंने बोला झूठी चाह निकल अनु कह रहा बोला झूठी आप रहा खिंचा खिंचा फिर फिलहाल प्रधान जी ने अपना दूध की घूंट भरनी शुरू कर दी है और चाह तुम रे बेटे उनको एक झूठ ताड़े पैगी चाह क्या दूध पियाओ तुम है दूध तो बढ़िया है चलो कोई बात नहीं भाई। गांव का प्यार मुझे हमेशा से मिला बहुत बढ़िया गांव है। एक मिनट ये बुजुर्ग खड़े इस तो पूछ ले हाँ भाई क्या कहें प्रधान जी आई बात को सुन सही आई जी सही हाँ वोट है पक्की तरी पक्के है पक्के वोट है जमा जमा पक्के लोल है हाँ जी जमा चलो कर दो शेयर कर दो भाई फोटो दे चुकी है